गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कमलनाथ खुद को संसदीय ज्ञान में महारथी बताते हैं और सदन से पहले ही दिन अनुपस्थित रहते हैं। कमलनाथ सदन के भाषण को बकवास कहते हैं। एक दिन ऐसा होगा कि जनता कांग्रेस को बकवास बताएगी। कमलनाथ को भी ताकत वही सदन देता है जिसे वो बकवास बता रहे हैं। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल पर भी निशाना साधा और उन्हें नौटंकीबाज बताया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निशाने पर कमलनाथ के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रहे। मिश्रा ने कहा कि केजरीवाल से बड़ा नौटंकीबाज देश में क्या दुनिया में कोई नहीं है। दिल्ली की जनता उनकी भ्रम पैदा करने वाली राजनीति को समझ चुकी है। अब यह ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। अब केजरीवाल जी एक्सपोज हो गए हैं। केजरीवाल जी से बड़ा नौटंकीबाज आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, देश की तो बात ही अलग है। एक तरफ गुहार लगा रहे थे कि मोदी जी हमें सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे और दूसरी पार जनता को जाकर के इस तरह का स्वांग रच रहे थे। अब दिल्ली की जनता उन्हें समझ गई है कि ये जो भ्रम फैला के राजनीति करते हैं अब ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है और अब केजरीवाल एक्सपोज हो गए। मिश्रा ने आरएसएस की नेकर में आग लगाने वाली कांग्रेस की बात पर कहा कि बंटवारे के समय जिस पार्टी ने आग लगाई, 84 के दंगों पर जिसने सिखों के गलों में टायर डालकर आग लगाई, अगर वह लोग नेकर में आग लगा रहे हैं तो अचंभा कैसा। देश के बंटवारे के वक्त जिस पार्टी ने आग लगाई, 84 के दंगों में जिन्होंने सिखों के गले में टायर डालकर उन्हें जलाया, अगर ये लोग निक्कर में आग लगा रहे हैं तो इसमें अचंभा कैसा है। 72 सालों तक कश्मीर सुलगता रहा, कौन था पीछे? पूर्वोत्तर के राज्य थे, उनके अंदर राजनीतिक रोटियां अशांति फैला के खेलते रहे, ये कौन था? कांग्रेस। पंजाब के अंदर आतंकी गतिविधियां चलाने वाले, स्वर्ण मंदिर पर प्रहार करने वाले कौन थे? कांग्रेस। दाऊद जैसे आतंकियों को पालने वाली कौन है? तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले देश में कौन है? ये कांग्रेस है। अगर ये नेकर पे आग लगा के अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं तो ये इनकी प्रवृत्ति और इनसे उम्मीद क्या की जा सकती है। डॉक्टर मिश्रा ने विधानसभा मानसून सत्र पर कमलनाथ के लिए कहा कि क्या कहें, खुद को संसदीय ज्ञान में महारथी बताते हैं और सदन में पहले ही दिन गायब है। वो खुद को सदन का मर्मज्ञ ज्ञाता बताते हैं, सदन के भाषण को बकवास कहते हैं। एक दिन ऐसा होगा कि जनता कांग्रेस को ही बकवास बताएगी। अपने आप को संसदीय ज्ञान का मर्मज्ञ बताते हैं, कहते हैं मेरी PhD है, मैं संसदीय कार्य मंत्री रहा हूं, बड़े सदन का रहा हूं। प्रारंभ वाले ही दिन अनुपस्थित, पता नहीं कैसा लगेगा कांग्रेस के विधायकों को कि सेनापति ही नहीं। जनहित से जुड़े मुद्दे उठाने में कभी रुचि कांग्रेस और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष की रही ही नहीं है। आप जब तक वो नेता प्रतिपक्ष रहे उनका एक कार्यकाल भी देख लीजिए जब उनका किसी जनहित के मुद्दे पर भाषण हुआ हो या आया हो। कि जो संसदीय ज्ञान का मर्मज्ञ अपने आप को बताते हैं, ज्ञाता बताते हैं, वो अगर सदन के भाषण को बकवास कहेंगे तो फिर जनता भी कांग्रेस को बकवास समझने लगेगी। लोकतंत्र का मंदिर है वो, ईंट गारे का नहीं है। वो सदन जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सर्वोच्च सदन है। सबको ताकत, कमलनाथ जी को भी ताकत उसी सदन से मिलती है जिसको वो बकवास कहते हैं। आज वो विधायक नहीं होते तो क्या बाकी की सुविधाएं मिल रही होती? क्या वो ये बातें कह पा रहे होते? कोई भी है व्यक्ति, कोई भी विधायक है सदन का, उसको ताकत सदन से ही मिलती है। What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages, and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions, call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development. With focus on creating industry-ready professionals.
Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।